नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ईएनएन भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति। इलेक्ट्रोलर बोंड कल रात से ये शब्द हर अखबार, हर टीवी और हर यूट्यूब न्यूज चैनल पर दिखाई दे रहा है। जब से चुनाव आयोग ने इन आंकड़ों को सार्वजनिक किया है, तभी से भारतीय जनता पार्टी सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि इन आंकड़ों में सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला है। खबरों की माने तो भाजपा के नाम पर 8,633 एंट्रियां हुई हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में 3,145 और आम आदमी पार्टी के खाते में 245 एंट्रियां हुई हैं। इनके अलावा सपा, टीएमसी, बीआरएस जैसी बहुत सी राजनीतिक पार्टियों के नाम भी चंदा प्राप्त करने वालों की लिस्ट में है। चंदा देने वाली कंपनियों में एक बात बहुत देखी गई है। खबरों की माने तो 2019 से 2024 के बीच सबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली 30 कंपनियों में से 14 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी हो चुकी है। इन कंपनियों में फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम सबसे ऊपर है। इसने 1,368 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। इनके अलावा मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, हल्दिया इंजीनियरिंग लिमिटेड, वेदांता ग्रुप, डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर लिमिटेड पर भी ईडी की कार्यवाही हो चुकी है। ऐसे में इस मुद्दे पर देश के कई पत्रकारों ने अपने विचार रखे हैं। इन्हीं में से एक हैं दीपक शर्मा। इस मुद्दे पर उन्होंने एक वीडियो बनाया है जिस पर 5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं। 3,300 से ज्यादा लोगों ने इस पर कमेंट किया है और ये व्यूज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कमेंट में तो लोगों ने भाजपा को खूब खरी खोटी सुनाई है। इनके कमेंट बॉक्स में जनता ने इलेक्ट्रोलर बोंड को लेकर क्या क्या कहा है, चलिए देखते हैं। द स्टडी नाम के एक यूजर ने लिखा, अडानी अंबानी ने सेल कंपनियों के माध्यम से दान दिया है। तो वहीं एक यूजर ने लिखा, मोदी जी का काला धन विदेश में नहीं बीजेपी के बैंक खातों में है, इसीलिए काला धन वापस नहीं लौटा। एक यूजर ने तो पीएम केयर फंड की जांच की मांग कर दी। उसने लिखा, लगे हाथ सुप्रीम कोर्ट पीएम केयर फंड की जांच भी कर दे। मनीष अजमेरा नाम के एक यूजर ने लिखा, भाजपा के अकाउंट तत्काल सीज हो जाने चाहिए और भ्रष्ट मोदी सरकार को तत्काल बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। एक यूजर ने बड़ी ही मजेदार बात कही। उसने लिखा, वसूली का नया मॉडल बनाया था जिसे सीजेआई साहब ने ध्वस्त कर दिया, इसके लिए कोटि कोटि प्रणाम। यानी कि लोग मान रहे हैं कि इलेक्ट्रोलर बॉन्ड उद्योगपतियों से वसूली करने का एक तरीका था। एक यूजर ने लिखा, देश को गुजरात के नेता और गुजरात के बड़े बिजनेसमैन दोनों हाथों से लूट रहे हैं और आर्थिक भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वहीं एक ने लिखा, इसमें तो FIR होनी चाहिए, ये देश के साथ धोखाधड़ी है। एक यूजर ने तो पीएम मोदी की ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाली बात को लेकर उन पर ही निशाना साध दिया। उन्होंने लिखा, कहते थे कि खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसके उल्टा किया और खाने के बदले जमकर खिलाया, जमकर जनता को लूटा, देश को बर्बाद कर दिया। देखिए एक यूजर ने तो कितनी बड़ी बात कह डाली है। उसने लिखा है, अभी ये आधा अधूरा है, अभी पूरी सच्चाई आना बाकी है। पूरी सच्चाई बाहर आएगी तो बीजेपी की काली करतूतें बहुत ही ज्यादा हैं। सच्चाई जब आएगी, जब बीजेपी सत्ता से बेदखल हो जाएगी। एक यूजर ने कहा कि बहुत बड़ा सच उजागर हुआ, लेकिन सवाल ये है कि जिनकी चमड़ी इतनी मोटी होगी, क्या वो शर्मसार होंगे और फर्जी राष्ट्रवाद से सच्चे राष्ट्रवाद की ओर उन्मुख होंगे? नहीं, आज भ्रष्टाचार करने वाला ही भ्रष्टाचार दूर करने की बात कर रहा है। इससे बड़ा मजाक और कुछ नहीं हो सकता है। ये कमेंट सच में सोचने को मजबूर करता है कि क्या राष्ट्रवाद की बात करने वाली भाजपा कभी इस बात को मानेगी कि उसने जनता के साथ भ्रष्टाचार किया है? आपको क्या लगता है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।